लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे विस्फोटक गेंदबाज के बारे में जो पिछले दिनों ही घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया है और वह अब बहुत जल्द से जल्द टीम इंडिया में डेब्यू करना चाहता है। टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए वह घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा तेज गेंदबाज दीपक डोपोला के बारे में, जिन्होंने गत वर्ष रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की। दीपक ने शुरुआती मैचों में ही विस्फोटक गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया, जिसके बदौलत वह भारतीय फैंस सहित टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटरों की तारीफ बटोरने में कामयाब हुए हैं। दीपक के गेंदबाजी स्टाइल पर नज़र डालें तो वह 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद कराते हैं। रणजी ट्रॉफी में दीपक के गेंदबाजी प्रदर्शन पर नज़र डालें तो उन्होंने दो मैचों की चार पारियों में लगभग 7 की औसत से कुल 21 विकेट झटके हैं। दीपक की गेंदबाजी पर ध्यान दें तो वह 7 रन खर्च करने के बाद एक विकेट झटक लेते हैं, जबकि उन्हें एक विकेट प्राप्त करने के लिए 17 गेंदें फेंकने की पड़ती हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो वह एक शानदार क्रिकेटर से हैं, लेकिन उन्हें भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वह अपना इसी प्रकार लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखते हैं तो आगामी आईपीएल नीलामी में इंडियन प्रीमियर लीग खेलने का मौका उन्हें मिल सकता है, जहां से वह टीम इंडिया तक पहुंच सकते हैं। दीपक के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगर आपको दीपक के इस बॉलिंग एक्शन और बॉलिंग के उनकी विकेट लेने की क्षमता पर कोई भी टिप्पणी करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको दीपक का 17 बॉलों में एक विकेट लेना पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।